प्रयागराज में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत संगम तट पर 14 जनवरी से हो रही है। ऐसे में प्रशासन समेत अन्य विभाग तैयारियों में जुट गया है और इसी क्रम में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज विभाग ने पूरे माघ मेले में हर रोज 1800 बसों के संचालन का फैसला किया है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन 2800 से 3000 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि कोविड काल को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए इस बार भी भारी संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं रोडवेज विभाग के RM के बिसेन ने कहा कि बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रोडवेज विभाग ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या फिर यात्री हो, सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। पूर्णिमा में हम लोग विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है बसों की, और इसमें हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार और माननीय हमारे CM साहब के निर्देशानुसार कोविड का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अंतर्गत हमारी जो मेन पर्व होंगे, जैसे कि आपका मौनी अमावस्या है, इसमें हम लोगों ने 2800 बसेस का इंतजाम किया है और बाकी मेला अवधि के दौरान 1800 बसेस का रखा गया है। 200 बसेस हम लोग रिजर्व में रखेंगे। तो इसमें मुख्य पर्व यही है आपका, जिसमें मौनी अमावस्या मेन होता है, तो उसके लिए 2800 बसेस की व्यवस्था की गई है। और हमारे इसमें झूसी में स्थित बस स्टेशन टेम्परेरी बनता है और आपका एक लेप्रोसी में बनता है, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सारे कार्य शुरू हैं, अपने समय से पूरे कर लिए जाएंगे।